सबसे पहले तो मैं एडवांस में ही समग्र बिहार की जनता को पर्व का बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। अभी ही का उत्साह दिखने को मिल रहा है। मैया से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में ये बिहार जंगल राज से मुक्त हो, पलटू राम से मुक्त हो। कहते ना कि सरकार गिरा देंगे, अभी तो निकले हैं तो हिला दिए हैं, गिराइयो देंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने अभी अभी हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को, उन सभी बिहार वासियों को बधाई देते हुए देखे जिन बिहार वासियों के बदौलत आज पत्रकार मनीष कश्यप पुनः जेल से वापस लौट कर उसी अंदाज में दिख रहे हैं, उन सभी बिहार वासियों को वह बधाई देना चाहते हैं। साथ ही वो उनका कहना है कि पत्रकार मनीष कश्यप की जेल से रिहाई की खुशी में हम आज इस बिहार की धरती पर आए हैं और उन सभी बिहार वासियों को बधाई देना चाहते हैं जिनके बदौलत आज मनीष कश्यप आज हम लोगों के बीच है। क्योंकि बिहार की जो वर्तमान सरकार है वह कुछ भी कर सकती है अपनी गद्दी को बचाने के लिए, अपनी गद्दी के लिए। बिहार की जो वर्तमान सरकार है अपनी गद्दी बचाने के लिए बिहार के विकास को छोड़कर वह यहाँ की जातीय जनगणना करवा रही है और बिहार के सच्चे पत्रकारों की, बिहार के गरीबों की आवाज उठाने वाले लोगों को जेल में भेज रही है। तो मैं बिहार की उन सभी समग्र जनता से कह देना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में, 2025 के चुनाव में बिहार की जो वर्तमान सरकार है उसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। क्योंकि अगर बिहार का विकास करना है तो मनीष कश्यप को वापस लाना पड़ेगा, मनीष कश्यप को गद्दी पर बैठाना पड़ेगा। कैमरे और माइक से केवल मनीष कश्यप बिहार की छवि को बदल नहीं पाएंगे। बिहार को अगर अति पिछड़े राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में लाना है तो मुख्यमंत्री एक बार तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अमित शाह जी का कहना है कि उन सभी बिहार वासियों से मैं एक बार कहना चाहूंगा कि बीजेपी पार्टी का भी एक बार मौका दिया जाए, एक बार पत्रकार मनीष कश्यप को भी मौका दिया जाए। उसके बाद अगर बिहार विकसित नहीं बनता है तब आप लोग कहिएगा। बीजेपी पार्टी शिकायत का मौका आपको कभी भी नहीं देगी। अगर पत्रकार मनीष कश्यप पर आप लोगों को भरोसा है तो एक बार उन्हें मुख्यमंत्री जरूर बनाइएगा। आप लोगों का बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में किस तरीके से आ जाएगा। दोस्तों, अमित शाह जी के इस तरीके की जोरदार भाषण की वजह से बिहार की वह समग्र जनता पत्रकार मनीष कश्यप की जयकारा लगाने लगी और मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तरीके से उत्सुक हो गई। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो आप मनीष कश्यप को वोटिंग करेंगे या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।